हेलो गाइस, स्वागत है कोर वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन वर्सेस जीरोधा, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों धन बेटर होने वाला है। इसको मैं बहुत बाद में कंपेयर करने वाला था, लेकिन धन ने इतने सारे अपडेट्स लाए कि इसको मुझे पहले ही कंपेयर करना पड़ रहा है। सो वो दिन आ चुका है जिस दिन का हम वेट कर रहे थे कि हम इसको जीरोधा के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों धन बेटर है जीरोधा से फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग की बाद में बात करेंगे। फॉर स्विंग ट्रेडिंग जिनको स्टॉक्स में करना है, जो स्टॉक्स डिलीवरी में लेते हैं प्लस उसको सेल करते हैं, सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑप्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पहले आप बात करते हैं कि अगर कोई नया यूजर है तो उसको धन में अकाउंट खोलने के लिए उसको जीरो रुपया पे करना पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है अगर आप नीचे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो। जीरोधा में आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे, आई थिंक 200 to 300 रुपीज पे करने पड़ेंगे। जो मान लो किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है तो 300 रुपये भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको धन में अकाउंट खोलना चाहिए अगर कोई मार्केट में नया है, जो सिर्फ स्टॉक सीखना चाहता है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है, सो उनके लिए धन बेटर है ना कि जीरोधा। सेकेंड बात करते हैं दोस्तों AMC। जीरोधा आपसे AMC चार्ज करता है, राइट। वो आपसे AMC आई थिंक अराउंड 300-400 रुपये चार्ज करता है। धन आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं करता है, यानी कि अगर आपने धन में अकाउंट खुलाया तो आपको ये लाइफ टाइम कोई पैसे नहीं लेगा, भले आप अकाउंट आपका एक्टिव हो या फिर ना हो, लेकिन जीरोधा आपसे दोस्तों पैसे जरूर लेगा। जीरोधा आपको बोलेगा कि आप चाहे अकाउंट यूज करो ना करो, जब तक आप अकाउंट क्लोज नहीं करते हो हमारे साथ तब तक हम आपको AMC चार्ज करते हैं। यही सारे ब्रोकर्स में है, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, हर ब्रोकर। ग्रो आई थिंक नहीं करता है, लेकिन उनका डिलीवरी का चार्ज होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो आपसे दोस्तों AMC भी चार्ज किया जाता है बहुत सारे ब्रोकर्स के द्वारा, जो जीरोधा भी आपको चार्ज करता है। मैं दोनों का यूजर हूँ और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है धन की तरफ से, जो यूजली होता है। बट देखिए, मेरा धन आपका जीरोधा में भी अकाउंट है और मेरा धन में भी अकाउंट है, राइट। और मैं बहुत, मुझे टाइम हो गया यूज करते हुए। सो धन भी आपसे कोई AMC चार्ज नहीं करता है, कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं लेता है। चलो एक और बात करते हैं, एक और फीचर के बारे में। एक होता है डिलीवरी के चार्जेस, जो बहुत सारे ब्रोकर्स लेते हैं डिलीवरी के चार्जेस। यानी कि अगर आप कोई शेयर उठाते हैं, लेट्स आपने कोई शेयर उठाया या फिर कोई ETF उठाया और उसको आपने होल्ड किया और बेचा, तो आपने जो बाई किया, सेल किया, ब्रोकर उसके भी चार्ज करता है भले वो डिलीवरी हो। तो धन आपसे जीरो चार्जेस लेता है डिलीवरी के, और जीरोधा भी जीरो चार्जेस लेता है। सो इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों ही जीरो चार्जेस लेते हैं। लेकिन जो दोस्तों बाकी ब्रोकर्स हैं वो जीरो चार्जेस नहीं लेते हैं। अपस्टॉक्स आपसे 20 रुपीज चार्ज करता है, ग्रो आपसे 20 रुपीज चार्ज करता है एक बाई सेल करने के, जो बहुत ही बेकार है। और जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं वो तो 100-100 रुपये चार्ज करते हैं, अगर आप 1 करोड़ का करते हैं तो लोग 1000 चार्ज करते हैं। तो फुल टाइम ब्रोकर्स तो अगर आपके पास फंड लो है तो उनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए। सो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स कहलाते हैं, यानी कि ये जीरो चार्जेस करते हैं डिलीवरी के लिए। अपस्टॉक्स आपसे चार्ज लेता है, ग्रो आपसे चार्ज लेता है, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपसे डिलीवरी का भी चार्ज लेते हैं। वो आपको यहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे, इतने सारे चार्जेस होते हैं। पहले से आपका STT बढ़ने वाला है तो और आप चार्जेस क्यों पे करेंगे। अब बात करते हैं गेम चेंजिंग फीचर की, जिसके वजह से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, राइट। सो एक DDPI का फीचर है। DDPI यानी कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन वही कि आपको अगर मैं जाता हूँ अपने धन में, जीरोधा में, और लेट से मुझे होल्डिंग सेल करना है, लेट से मैं डिवीज लाइफ को सेल करना चाहता हूँ, राइट। सो अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ एग्जिट, तो मुझे क्या होगा, मुझे ये करने देगा नहीं, मुझे ये नहीं करने देगा। क्यों दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई आप पहले ये ऑथराइज करो, ये पहले आप ऑथराइज करो, जो हमारा CDS अगर TPIN होता है ये ऑथराइज करो। ये धन में नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए इसके बहुत सारे कनेक्शंस है, राइट। सो अगर मैं धन में जाता हूँ, सो लेट्स से मैं गया धन में, और अगर मैंने होल्डिंग पोर्टफोलियो में गया, सेम फीचर। और स्पीड की बात करें तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जीरोधा थोड़ा सा आगे रहता है स्पीड में। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग मतलब बेसिकली डिलीवरी उठाते हैं, तो आपको स्पीड की क्या जरूरत है, राइट। सो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड नहीं, अगर इसको सेल करता हूँ, सेल, तो ये हो जाएगा, राइट, ये बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ करके सेलिंग। सो यहाँ पे हम एक क्वांटिटी में सेल करना करूँगा विदाउट एनी डीमैट, विदाउट एनी TPIN। सो ये आपका हो गया, ये आपका सेलिंग हो गया, मैंने कोई TPIN नहीं किया। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसके वजह से दोस्तों ये होगा कि आपका जो GTT फीचर होता है, जो आप बाद में लगा सकते हैं, यानी कि GTT क्या होता है, फॉरएवर ऑर्डर्स, राइट, फॉरएवर ऑर्डर्स। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक GTT नाम का फीचर दिखेगा, जो दोनों में है, जीरोधा में भी है और धन में भी है। लेकिन दोस्तों धन में आपको उसको बार बार रोज सुबह सुबह आपको TPIN डालना नहीं पड़ेगा, जो बहुत ही अनॉइंग है, राइट। एक तो मेरे पास इतने सारे ब्रोकर से, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो बहुत ही अनॉइंग लगता है कि मुझे सबके TPIN याद रखूँ, तो इसलिए मुझे धन पसंद है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक फॉरएवर ऑर्डर मिलता है, बास्केट ऑर्डर्स बहुत सारे हैं जिसके बारे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप फॉरएवर ऑर्डर लगाते हैं,
तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे आप टी पिन डालें या ना डालें, आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए धन गेम चेंजिंग होने वाला है। आई थिंक मेरा प्रिडिक्शन है कि अभी जो टॉप ब्रोकर्स का लिस्ट है, आई थिंक उसमें जीरोधा फर्स्ट है। मेरा हिसाब से, मेरा जो प्रिडिक्शन है, अगर एक ट्रेडर का प्रिडिक्शन माने हैं, तो जहां तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं, आई थिंक धन बीट कर देगा जीरोधा को फ्यूचर में। मेरे हिसाब से आई थिंक धन नंबर वन पे आएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि जिस तरह से ये अपडेट्स लाते हैं, आई थिंक हर महीने लगभग 10 अपडेट्स होते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडर का पे ऑफ ग्राफ आ गया, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ है जो आपको कोई और ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता है। सो आई थिंक इसी रीजन से धन बीट कर देगा जीरोधा को। आपका क्या कहना है, क्या ये होगा? मेरे हिसाब से तो हो जाएगा नियर फ्यूचर में। सो अगर जो जीरोधा है, पहले वो अपडेट्स लाता रहता था, अब धन बहुत ही जल्दी अपडेट्स लाता रहता है, क्योंकि ये बैक्ड बाय मतलब स्टार्टअप है, बहुत पैसे इनके पास, बहुत पैसे मतलब बहुत पैसे है। ये क्वालिटी टीम हायर कर सकते हैं, मतलब इनका जो जो रेज फाइनेंशियल पेरेंट कंपनी है, बहुत पैसे उठाता है वो, और ये दम बिल्कुल पंप अप कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स आ सकते हैं दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। बेसिकली अगर आपको एक नया कस्टमर बेस चाहिए, तो आपको फीचर्स अपडेट करने ही पड़ेंगे, और इनका मैं टीम से भी मिला ही हूं, तो बहुत ही अच्छा कल्चर है। सो ये आपका दोस्तों धन, तो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। मैं जीरोधा का भी एफिलिएट पार्टनर हूं, आप उसका भी अकाउंट खोल सकते हैं, उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बट आई थिंक वो बीट करने वाला है, राइट? मैं सब ब्रोकर्स का एफिलिएट पार्टनर हूं, तो मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर किसी को स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना है, डिलीवरी में ट्रेडिंग करना है, तो आई थिंक धन से बेस्ट कोई नहीं है राइट नाउ इन इंडिया। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, राइट? सो ये था दोस्तों आपका कंपैरिजन जीरोधा वर्सेस धन। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो एक लाइन इसके बाद में मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए, दोनों के चार्जेस सेम है, राइट? 20 रुपीज 20 रुपीज। प्लस अगर आप धन में लेडी के नाम से अकाउंट खुलाते हैं, अपनी मम्मी सिस्टर वाइफ के नाम से अकाउंट खुलाते हैं, तो आपको 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे धन आगे निकल जाता है, राइट? तो वो भी एक गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे अपडेट्स है, पे ऑफ ग्राफ है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, ऑप्शन चेन ट्रेडिंग व्यू पे है, रियल टाइम डेटा है, प्लस और भी बहुत कुछ है जो धन में आपको मिलता है। उनका धन का तो एक ऑप्शन अलग ही प्लेटफॉर्म है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। सो बहुत सारे फीचर्स हैं जो सेलिंग करते हैं, जो बाइंग करते हैं, सभी के लिए। सो यह दोस्तों वीडियो, आई थिंक मैंने आज इसमें ही ऑप्शन ट्रेडिंग किया है और ब्रेक इवन मेरा हुआ है, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं करता हूँ, राइट? सो अराउंड 500 रुपीज। सो दोस्तों ये था आपका कंपैरिजन वीडियो। कैसा लगा वीडियो, आपके हिसाब से क्या लगता है कमेंट कर दीजिए। एंड लिंक होगा दोनों के डिस्क्रिप्शन में, आपको जीरोधा में जाना है जहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग देना पड़ेगा, उसमें जा सकते हैं। धन में आपको अकाउंट ओपनिंग नहीं देना है, जीरोधा में आपको एएमसी पे करना है, धन में आपको एएमसी पे नहीं करना है। जीरोधा में आपको जो हमारा जीटीटी है उसको बार बार ऑथराइज करना पड़ेगा, धन में आपको ऑथराइज नहीं करना पड़ेगा। सो तीन गेम चेंजिंग फीचर्स हैं जिसकी वजह से धन आगे निकलेगा। सो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस। किसी कंपनी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? सो ये आपका वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।